आपको अलग अलग चरण पहाड़ी मिलेगा, लेकिन यहाँ जो चरण मिलेगा ना, कृष्ण कैसे ऐसे बजाते ना, कृष्ण बंसुरी ऐसे बजाते है ना, यहाँ पर पूरा मिलेगा कृष्ण का एड़ी का चिन्ह और कृष्ण का पूरा एक चरण का चिन्ह पूरा यहाँ पर मिलेगा, कृष्ण का चरण चिन्ह। इसलिए कृष्ण यहीं पर खड़े होकर के कृष्ण बंसुरी बजाया करते थे, यहाँ पर पूरा सारी तरफ में गैया को छोड़ देते थे, सारी गैया को यहीं पर छोड़ देते थे और गैया चरते थे। और कृष्ण जब जाना होता था कृष्ण फिर बंसरी बजाया करते थे, फिर गैया को इकट्ठे करते थे, फिर यहीं से अपना घर वापस जाते थे। इसलिए इनकी जो चरण पहाड़ी है, चरण क्यों द्रवीभूत क्यों हो गया, ये पत्थर क्यों द्रवीभूत हो गया, तब श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में वहाँ पर वर्णना करते हैं कृष्ण की प्रेम की कितने महिमा, कृष्ण बंसी ध्वनि की क्या चमत्कारिता। कहते श्री रूप गोस्वामी वर्णना करते हैं, बोले रुंधन भुभ्रीत चमत्कीत परम कुर्बन मुहुस्तुम्भरु, मतलब कृष्ण जब बंसी बजाया करते थे वो बंसी ध्वनि का अद्भुत चमत्कारिता था, अद्भुत है, अद्भुत चमत्कारिता। इसलिए कृष्ण का चार माधुर्य है, कितने माधुर्य है, चार, क्या क्या बोलो तो, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य। उसमें एक वेणु माधुर्य है, चार माधुर्य में, क्योंकि जो चार माधुर्य है ये और किसी देवा देवियों के अंदर में नहीं, किसी ब्रह्मा शंकर जी को अंदर में भी नहीं, केवल ये चार माधुर्य केवल कृष्ण के अंदर में और दुनिया में किसी के अंदर में नहीं। चार माधुर्य में एक माधुर्य है उनकी वेणु माधुर्य है, इसलिए उनकी जो वेणु माधुर्य है, उनका जो वेणु है ना, कहते तीन नाम है इनकी, एक बंसुरी, एक मुरली और एक वेणु है। एक बना हुआ बांस से, एक मणि से बनता है और एक बनता है वेणु बंसुरी और सोने में ही है, इसलिए उनका तीन तरह का। और जो तीन जो बंसुरी, उनका दो तरह का कृष्ण बंसुरी बजाया करते थे, कितने तरह के, दो तरह, एक है सर्वभूत मनोहर, एक है गोपीभूत मनोहर। मतलब क्या है, कहते कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसुरी बजाया करते थे जो बंसी ध्वनि सब सुन सकते हैं, सब नहीं, सब सब सुन सकते हैं, पेड़ पौधा लता पता माता पिता सारा दुनिया सुन सकते हैं, एक तरह का बंसी ध्वनि। और एक तरह का बंसी ध्वनि है, कहते गोपी भूत मना, जो बंसी ध्वनि का और कोई नहीं सुन सकते हैं, केवल गोपियां सुन सकती हैं। जैसे कृष्णा जब बंसी बटक नीचे बंसरी बजाए, वो कौन सा है, गोपी भूत मना है, क्योंकि ब्रज में सबके सब तो थे लेकिन बंसी ध्वनि सुने कौन, गोपियां। लेकिन अगर सर्वभूत बंसी बजाते ना, जिसको सब सुन सकते हैं, पूरा ब्रज के ब्रज ही उमड़ पड़ता है, वहाँ पर ब्रज की ब्रज वहाँ पर आ जाता है ना, लेकिन वहाँ पर कौन आए, गोपियां, और कोई नहीं आई। इसलिए वो कौन सा शब्द था, बोले जगो कलो बाम दृशा मनोहरा, उसको कहते हैं वो ऐसे एक शब्द था, ऐसे एक शब्द थी जिसमें क्लिंग शब्द उच्चारण किया उन्होंने, लेकिन वो क्लिंग शब्द से राधा रानी सुन रही थी बंसुरी से, केवल राधे 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 राधे, और कोई आवाज ही नहीं सुन रही थी। ललिता क्या सुन रही थी बंसुरी से, केवल ललिता 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 ललिता। विशाखा क्या सुन रही थी बंसुरी से, केवल विशाखा विशाखा विशाखा, और कोई शब्द थी, सब अपना अपना नाम सबके सब सुनाई पड़ती थी और किसी को नाम सुनाई नहीं पड़ती, अपना अपना नाम सुनाई पड़ती थी। इसलिए कृष्ण का जो बंसी ध्वनि है, कहते हैं वो अलग अलग बंसी ध्वनि है, कृष्ण का अलग अलग बंसी ध्वनि है। शास्त्र में रूप गोस्वामी इसकी अलग 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 उन्होंने नाम बताया है। इसलिए कहते ये जो बंसी ध्वनि का त्रि जगत मानस आकर्षि मुरली कलगो जीता, और त्रिसर्ग मृषा, जब कृष्ण कभी कभी बंसुरी बजाया करते, बोले कैसे बंसुरी, जिस बंसी ध्वनि को सुन करके जमुना जो ऐसे बहती है ना, वो जमुना उल्टी बहने लग जाती है, और कभी कभी जो पानी है वो पत्थर हो जाता है, कभी कभी पत्थर पानी हो जाता है। इसलिए अभी भी आप ब्रज में जाओगे अलग अलग जगह पर, क्या देखा है ना, देखा है ना, क्या बन गया, पानी पत्थर क्या हो गया, कृष्ण पिघल गए और कृष्ण का चरण का छाप उसी में आ गया। इसलिए कभी 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 उनका चरण देखा, कभी कभी कुछ कुछ संत लोग आपस में विचार कर रहे थे, कभी कभी जो चरण चिन्ह ना, एक 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 तरफ का चरण चिन्ह पड़ा हुआ दिखेगा, दो तरफ नहीं, एक तरफ, कभी कभी विचार करते हैं भैया ये चरण चिन्ह एक तरफ में क्यों, दूसरे तरफ में क्यों नहीं, तब कहते भैया अगर जीव गोस्वामी होते है ना, वो बता देते ये चरण चिन्ह एक तरफ में क्यों, दो तरफ में क्यों नहीं। कारण क्या, अगर कृष्णा जा रहे अभी गैया चराने के लिए पार्वती पर जा रहे, जब चल रहे एक तरफ से चलते है ना,
जब वहाँ पर बंसी ध्वनि करेंगे चिन्ह कैसे पड़ेगा, एक तरफ पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जाते समय तो उन्होंने बंसुरी बजाए, लेकिन उन्होंने आते समय उन्होंने बंसुरी नहीं बजाए, इसलिए ये बंसी ध्वनि का चिन्ह की तरफ पड़ा है, चिन्ह केवल एक तरफ का चिन्ह पड़ा है, दो तरफ का चिन्ह नहीं दिखती है। इसलिए भागवत में पूरा वेणु गीत का पूरा एक अलग नाम दे दिया उसको, जो पांच गीत भागवत में, कितना गीत है, पांच, क्या क्या बताओ, वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, युगल गीत। हाँ, इसलिए कहते भागवत में कहती है पांच गीत है, और पांच गीत में एक गीत क्या है, वेणु गीत, इसमें एक गीत वेणु गीत। पूरा श्री सुखदेव गोस्वामी पूरा एक चैप्टर उन्होंने पूरा वेणु गीत ही पूरा एक चैप्टर उन्होंने वेणुगीत पूरा उन्होंने एक चैप्टर पूरा वेणुगीत बताया, और वेणुगीत में जो उन्होंने बताया अद्भुत रूप में बंसुरी की उन्होंने अद्भुत महिमा उन्होंने बताई, वेणुगीत में क्या चमत्कारिता है। इसलिए गोपिया घर में बैठी हुई है और अपना महाराज आ जाए घर, गोपिया अपना घर में बैठी हुई और अपना दिव्य नेत्र से देख रही कृष्ण कैसे बंसुरी बजा रही, इसलिए गोपियां कह रही है हमारे जीवन तो बेकार जी रहे हैं। अगर जीवन किसका धन्य हो तो किसका जीवन धन्य है, वृंदावन के पक्षियों का जीवन धन्य है। क्यों बोले, कृष्ण जब बंसरी बजाते हैं पक्षी सबके सब मुनि बन जाते हैं, आंख बंद करके जैसे बंसी ध्वनि को पान करते हैं। कहते अगर किसका जीवन धन्य है, किसका जीवन धन्य है, कहते किसका जीवन धन्य है, कहते हिरणियों का जीवन धन्य। बोले क्यों, बोले कृष्ण बंसी ध्वनि सुनकर के जितने हिरणिया सबके सब आकर के बोले नेत्र से दर्शन, नेत्र से नहीं मान भगवान का आरती उतारती, और स्त्रियां तो आगे और पुरुष लोग क्या करते पीछे। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती है देखो ये लोग कितने सौभाग्यवान, इनकी पत्नियां आगे हैं और पति लोग पीछे पीछे है, मतलब पत्नी आज जब कृष्ण को आरती उतारते आश्रम में पति लोग पीछे से मदद कर रहे हैं, तो सोचते हमारा जीवन धन्य, हमसे तो भक्ति हो नहीं पाया, कम से कम पत्नी को तो भक्ति हो रही है, लेकिन हमारे पति लोग हमारे पति लोग अलग है, अगर पता चल जाए ना हमारा पत्नी या कृष्ण को प्रेम करते हैं फिर तो जटिला गुटिला पीछे है, जटिला गुटिला पीछे है। इसलिए वहाँ पर संपूर्ण की वेणु गीत वर्णन किया है, कृष्ण बंसी की क्या विशेषत्व है, क्या इसमें चमत्कारिता किया है बंसी जी की। इसलिए कहते अगर किसका जीवन धन्य किसका है, बोले मेघ का जीवन धन्य है। बोले क्यों, जब कृष्ण बंसी बजा तो मेघ आकाश में छा जाते, बोले क्यों, बोले कृष्ण का रंग और मेघ का रंग एक ही है, इसलिए कहते मान ये मेरे सखा है, ये मेरे मित्र है, और उनको स्वर्ग पर छाया करती है, और रिमझिम बारिश देती है, रिमझिम बारिश देती है। कहते अगर किसका जीवन धन्य है वृंदावन में, तो देखो ये बंसुरी ये तो हमें अंगूठा दिखा दिखा कर हमारा रस को यही पान कर रहा है। क्यों, कृष्ण गोप हम गोपियां, कृष्ण के अधर में किसका अधिकार है, हमारी अधिकार है, लेकिन ये बंसुरी तो हमें अंगूठा दिखा दिखा करके कृष्ण का अधर कितने सुंदर लाल है बिंब फल जैसे, लेकिन ये बंसुरी सारे रस को पी पी करके कृष्ण का अधर को देखो नीला बन गया, मानो सारे रस यही पी लिया, सारे रस यही पी लिया है, कभी कमर में, कभी हाथों में, कभी उनकी आधार में, कृष्ण कभी छोड़ते नहीं किस बंसुरी को, हाँ कभी हर समय उसको पकड़ कर रखते हैं, बंसुरी को कैसे धारण करते हैं, बोले ऐसे देखो कृष्ण कैसे बंसुरी बजाते हैं, ऐसे बजाते ना ऐसे, एक उदाहरण देकर समझाए, बोले देखो जैसे कोई राजा महाराजा की सेवा हो रही है, राजा महाराज जैसे राजा महाराज दल्लभ गद्दी के ऊपर विश्राम करते हैं, उनका जो अंगुल कैसे है दल्लभ गद्दी, जैसे उनका चरण दबाते हैं ना नौकर लोग, ये अंगुल चलाते हैं मानो उनके चरण दबा रहे हैं, आंखों की जो पलक झप रही पलक नहीं उनको हवा कर रहे हैं, कान में कुंडल, बोले कुंडल नहीं जैसे छत्र धारण करते राजा के ऊपर, देखो ये कितने सौभाग्यवान बंसुरी की, जो कृष्णा इसको कितने सौभाग्य देते थे कि जगत में अगर कोई हतभागा तो हम लोग ही है। इसलिए यहाँ पर जो चरण चिन्ह है ये बंसी ध्वनि की ही करामती है, जो संपूर्ण के संपूर्ण ये पहाड़ द्रवीभूत हो गया, और जहाँ पर कृष्ण के चरण यूं की त्यों उनका चरण आ गया है, इसलिए कृष्ण का यहाँ बहुत लीला। अब ये हमारे सब भक्त लोग आएंगे, कीर्तन होगा, और हमारे महाराज जी बोलेंगे, कौन भाषा बोलेंगे, थोड़ा पीछे कर लो, हो गया, और नीचे आओ ना, कोई बोलते ऊपर चले बोले नीचे आओ, नहीं आने दो सबको।